फागुन का महीना बसंत की शुरुआत का महीना होता है। ब्यास नदी में बर्फीली पहाड़ियों का निर्मम पानी बहने लगता है। पक्षियों की चहचहाहट से फूल खिलने लगते हैं। फागुन के इस महीने में हिमाचल प्रदेश मंडी में एक त्यौहार मनाया जाता है, जिसका नाम है महाशिवरात्रि। देवलू अपने देवता के रंगों को रंग बिरंगा सजाने लगते हैं। महाशिवरात्रि में सभी देवता पड्डल मैदान में डेरा लगाते हैं, जबकि बड़ा देव कमरूनाग टारना मंदिर में विराजमान होते हैं। मेले के दौरान कमरूनाग से मिलने के लिए अनेक देवता टारना पहुंचते हैं। पंडित जी कहते हैं कि राजा सूरजसेन के 18 पुत्र थे। सभी राजा के जीवन काल में मृत्यु को प्राप्त हो गए। उत्तराधिकारी के रूप में राजा ने एक चांदी की प्रतिमा बनवाई, जिसे माधोराय का नाम दिया गया। राजा ने अपना सारा राजपाट माधोराय के नाम कर दिया। मंडी के शासक भगवान शिव के भक्त थे। मान्यता है कि अजबर सेन ने सपने में भगवान शिव को दूध देती हुई गाय देखी। उनका सपना सच हो गया, क्योंकि उनके अनुसार उन्होंने एक बार एक गाय को एक मूर्ति को दूध अर्पित करते हुए देखा था। उन्होंने 1526 में भूतनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इसके साथ ही मंडी नगर की स्थापना हुई। कुल्लू के राजा महेश्वर सिंह जी कहते हैं कि हर साल यहाँ शिवरात्रि के शुभ महोत्सव पर बहुत से देवी देवता देव माधोराय से मिलन करने आते हैं और उनके साथ जलेब का हिस्सा बनते हैं। शिवरात्रि महोत्सव में मंडी शहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है और ढोल नगाड़ों की आवाज़ के साथ पूरा मंडी शहर गूंज उठता है। शिवोत्सव का एक बड़ा पड़ाव शक्ति रूप श्याम काली भगवती माँ टारना के साथ जुड़ा हुआ है। इस दौरान सिद्ध पंचवक्त्र, सिद्ध काली, सिद्ध भद्रा के शैव एवं शक्ति से जुड़े मंदिरों का निर्माण हुआ था।
पर्यटन अध्यक्ष का कहना है कि भिन्न भिन्न प्रदेशों से लोग शिवरात्रि महोत्सव का आनंद लेने आते हैं और देवी देवताओं का आशीर्वाद पाते हैं। शिवरात्रि में एक तरफ जहां देवी देवता और उनके देवलोक शिवरात्रि के रोमांच में झूम रहे होते हैं, वहीं मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में मेले का आयोजन भी किया जाता है। इस मेले में कई जगह से लोग आकर मनोरंजन प्राप्त करते हैं। शिवरात्रि मेले में लोग दूर दूर से आकर यहाँ के खान पान का भी आनंद लेते हैं। अंतिम जलेब के साथ माधवराय और देव कमलनाथ का अंतिम मिलन होता है और इसी के साथ मेले का समापन भी हो जाता है।